खबर लेने संगरूर तो जिथे संगरूर दे पिंड मैलां चौंक दी विधवा परमजीत कौर ने साडी टीम नूं दस्सिया कि उसके पति की मौत हो चुकी है ते मरन तो पहला उसके पति ने उसके नाम ते 2 किल्यां की रजिस्ट्री करवा दिती सी ते बाकी 3-3 एकड़ दोवां पुत्रां मनजीत सिंह ते पवित्र सिंह दे नाम ते कर दिती सी पर हुण मेरा वड्डा पुत्र मनजीत सिंह धक्के नाल ही मेरी जमीन ते कब्जा कर रहा है जदों के कोर्ट वालों मैनू स्टे मिल चुकी है। मैं इस बाबत DSP दड़बा ते SSP संगरूर नूं लिखती शिकायत दे चुकी हाँ लेकिन प्रशासन मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहा जदों के मनजीत सिंह मैनू जानों मारन दीआं धमकियां भी दे रहा है। मेरी पंजाब सरकार अगे बेनती है कि मैनू इंसाफ दवाया जाए। दूसरे पासे जो मनजीत सिंह नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि यह रजिस्ट्री गलत ढंग नाल करवाई है, मेरा कोर्ट केस चलता है, जो भी फैसला आएगा मैनू मंजूर होगा। पर जो इस बावत पुलिस अधिकारियों नाल इस संबंधी गलबात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे सामने कुछ भी बोलने तो इनकार कर दिता। सारा की है मामला, आओ सुनाने पूरी खबर। माता जी की नाम है? परमजीत कौर। माता जी की कहना चाहते हैं जिहड़ा तुहाडी जमीन दा रौला चलदा है? पहला तो भीरे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं भीरे ऐ कहना चाहनी हाँ मेरे पति नू मरे नू अज 12वां साल लग गया। उन्होंने जदों जमीन वंडी 3-3 किले बच्चों देते 2 किले मैनू देते, मेरे 9 बैका रजिस्ट्री हुई है। हुण वो मेरा जिहड़ा बड़ा मुंडा मनजीत सिंह दोए अड्डो अड्डी ने जिहड़ा बड़ा मुंडा मेरा मनजीत सिंह वह मेरी जमीन दबण नूं फिरदा है। देखो जी मेरी कोई नहीं सुन रहा। मैं सरकार मूहरे बहुत हथ बन ले बहुत बारी, मैं मैनू 8 साल हो गए कचहरियां दे चक्कर लाउंदी नूं, मेरी किसे ने नहीं सुनी, ना पुलिस ने सुनी ना किसे सरकार ने सुनी। हुण मेरी हथ बन के यही बेनती है भी मेरी ये जमीन इन्हां तो दोए भाइयां तो अलग की जाए। कोर्ट वालों की फैसला है? कोर्ट वालों उन्होंने मैनू जी स्टे दी हुई है, आ कागज ने कहता तो वह कहते भी ये कोई नहीं बढ़ूगा ना बड़ा ना छोटा। पुलिस नाल हुई है जी मेरी, मैं गई पुलिस च, पुलिस के सामने दोए जी तो मेरा पोता ये गल कहते ने मैनू तेरिया लत्तां तोड़ के जमीन लवेंगे तेथों, तू कौन होनी है जमीन लैण वाली, तू तो ठगनी है ठगनी, मैनू किते नहीं रोटी खाण देंदे वो किते भी, मेरे नाल इन्ना धक्का हो रहा है इन्ना धक्का हो रहा है, बस कुछ कह नहीं सकती। मैं तो यही कहनी हाँ जी भी मेरी ये जमीन का मेरा फैसला होना चाहिए, क्यों नहीं मैनू फैसला देंदे सरकार? जे माँ बाप की जमीन नहीं सरकार ने वह करी हुई हैगी बेशक मैं इतों खो लैन, जदों माँ बाप का हक बनता है हिस्सा बनता है फिर वो मैं क्यों नहीं देंदे है? खतरा है जी मैं पूरा उन्होंने तो तिना तू वो घर वाली किरणजीत कौर तो मुंडा मनजीत सिंह का मनजीत सिंह मैं तिना तो खतरा है। तिने कहते ने तेरिया लत्तां तोड़ांगे तेरे चौंकी के बिच कहते ने अफसर के सामने। मेरा नाम पवित्र सिंह जी, सन ऑफ श्री रघबीर सिंह, पिंड महला चौंक, डिस्ट्रिक्ट संगरूर के रहने वाले हैं जी। माता जी बिल्कुल जायज ने जी, माता दे नाम तकरीबन 2.25 किले जमीन दे मेरे फादर साहब रजिस्ट्री करवा के गए है जी आपदे जिउंदे जागदे, ते उन्हां उत्ते धक्के नाल कागज हो रहे ने जी साडे वड्डे भरा साहब, ते प्रशासन लवे बहुत बार गए हैगे जी जिहड़े सुन नहीं रहे हैगे, ते जज साहब लवे गए इस नाम जी वैसे कोर्ट उत्थे केस चल रहा हैगा ते उन्होंने ऑर्डर कीते हैगे स्टे मिली है जी माता जी को, स्टे भी तकरीबन हुण तां 22/11/2022 मिली हुई है जी, 5-6 महीने हो गए भी एप्लीकेशन दित्ती नूं, यानी कि कोई सुनवाई नहीं हो रही हैगी जी, भी सुनवाई क्यों नहीं हो रही हैगी की गल है, तो ये तो फिर हुण परमात्मा ही जानदा जी जां प्रशासन दस सकदा हैगा।
ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਔਡਰ ਨੇ ਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਅ ਦੇ ਔਡਰ ਨੇ ਗੇ ਅਤੇ ਉਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਔਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੜਵਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੜਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇੜਾ ਗਰਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਉਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਡੇਪਾ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿੱਧਰੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ ਜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਹ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਅ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇਅ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਆ ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਸੈਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਹੂਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਦਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮੱਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ